हेलो व्हाट्सअप गाइस मैं विनोद बादू थापा एंड इन दिस प्रू विल सी शॉर्ट सर्किट इवेलुएस इन आउ रिएक्ट जेस एप्लीकेशन तो क्या होता है देख लीजिए गाइज यहां पे वी हैव सम एग्जांपल जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने हूं दैट इज टॉगल लॉग स्टेट सेट यूजर एंड देन क्लियर यूजर ये तीन बटन है जिसमें आप द मोमेंट टॉगल लॉग स्टेट में करता हूँ तो अभी बता रहा है यू आर लॉग इन मतलब मैं लॉग किया बट द मोमेंट इस हिट करता हूँ चला गया मतलब अब मैं लॉग आउट कर चुका हूँ प्लीज़ लॉग बता रहा है ये मैंने लॉग इन कर लिया ठीक है सेट यूजर तो प्लीज़ लॉग इन जो वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे हेलो थापा टेक्निकल अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्लियर यूजर लिखूंगा तो आई मीन क्लिक करूंगा तो वो प्लीज़ लॉग इन आ जाता है फिर से ये मैं हटा सकता हूँ टॉगर लॉगिन लॉग आउट कर सकता हूँ तो आई होप ये एग्जाम्पल देखिए आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि शॉर्ट सर्किट इवेलुएसन किसे कहा जाता है इन रिएक्ट एप्लीकेशन तो मैं यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ पीपीटी के साथ बताता हूँ प्लीज़ इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं भले ही आपको लगे तो बहुत बेसिक है बट इन रियलिटी बहुत अच्छे अच्छो की हालत खराब हो जाती है समझने में

बेस्ड ऑन ट्रूटीनेस ऑफ सर्टेन कंडीशन सिंपल है ये जो लॉजिकल ऑपरेटर आपको दिखाई दे रहा है तो आप ये समझ लीजिए शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन इन्वॉल्वस योर लॉजिकल ऑपरेशन जो हम ऑलरेडी हमारे जास्क्रिप्ट वर्ल्ड वेड जाप्ट कोर्स में देख चुके हैं एंड हाउ दे इवेल्युएट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन ट्रूटिनेस ऑफ देर ऑपरेट उसका वन बाय बाई वन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ वी हैव दिस सिंपल एक्सप्रेशन लॉजिकल और का जो ऑपरेटर uh, है जो सिंटेक्स है वो ये है डबल पाइप ठीक है तो एक्सप्रेशन वन और एक्सप्रेशन टू अब यहाँ पे चीज़ें आपको ये समझना जरूरी है कि अगर एक्सप्रेशन वन फॉल्स है एंड एक्सप्रेशन टू ट्रू है तो हमें क्या आउटपुट आता है एंड अगर एक्सप्रेशन वन जो फर्स्ट वाला पार्ट ट्रू है एंड सेकेंड वाला फॉल्स है तब हमें क्या आउटपुट आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गाइस बिलीव मी समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ये रूल को आप पढ़ लीजिए ये रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप और ऑपरेटर के साथ खेलोगे ना इफ एक्सप्रेशन इज़ ट्रूटी अगर एक्सप्रेशन वन मतलब ये आपका एक्सप्रेशन वन है अगर ये ट्रू है रिटर्न एक्सप्रेशन वन बट हमारे केस में तो ये फॉल्स है ठीक है अदरवाइज रिटर्न एक्सप्रेशन टू मतलब अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ये आपका एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू है तो क्या सेकेंड में चाहे ट्रू हो फॉल्स हो मतलब नहीं है अपने को फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी लेकिन अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका फॉल्स है देन जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको मिलने वाला है एज एन आउटपुट तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है जब आप और ऑपरेटर के साथ खेलोगे नाउ वी हैव दिस एंड ऑपरेटर जिसमें आपको डबल एम परसेंट यूज करना पड़ता है अगेन एक्सप्रेशन वन डबल एम परसेंट एक्सप्रेशन टू तो इफ एक्सप्रेशन वन इज पॉलिसी अगेन ये जो रूल आपको दिख रहा है इस रूल को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इफ एक्सप्रेशन वन इज पॉलिसी अगर आपका ये जो एक्सप्रेशन वन है अगर ये फॉल्स है रिटर्न एक्सप्रेशन वन तो वही जो एक्सप्रेशन वन है वो आपको आ जाएगा एंड कभी वो ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है उसको वो देखेगा तक नहीं एंड ऑपरेशन में अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो गया तो सेकेंड ऑपरेशन को कभी वो चेक भी नहीं करता है बट वहीं अगर एक्सप्रेशन वन इज़ ट्रू देन जो एक्सप्रेशन टू है उसको वो रिटर्न करता है समझ रहे हो लाइक like और ऑपरेटर में ठीक इसका अपोजिट था अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू है तो वो एक्सप्रेशन वन को दिखा देता था बट एंड ऑपरेटर में अगर एक्सप्रेशन वन ट्रू हुआ तब वो जो एक्सप्रेशन टू है उसको वो रिटर्न करता है एंड अगर पहला ही एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो कभी देखता भी नहीं उसको डायरेक्टली फॉल्स हमें वो रिटर्न कर देता है ठीक है एंड नलिस को आप जैसे भी प्रोनाउंस कीजिए बट ये जावस्क्रिप्ट का ही है तीनों की तीनों आपके जावस्क्रिप्ट में भी था मैंने वहां पे बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया प्लीज उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा यहां पे भी आप सिंटेक्स देख लीजिए ये जो रूल्स है आप इसको पढ़ लीजिए क्योंकि रिएक्ट में ये बहुत यूज होता है कंडीशनल रेंडरिंग के समय जहाँ पे आप देख सकते हो कि नलिस कोलिजन का आ, सिंपल फंडा ये है ये दो चीज़ों के साथ डील करता है फॉल्सी वैल्यू जब हम बोलते हैं कहने को वो पांच पांच वैल्यू को हम फॉल्स कह सकते बट जब बात आई इस पर्टिकुलर ऑपरेटर की नलिस की तब इसके लिए फॉल्स वैल्यू सिर्फ दो ही है एंड डैट इज़ योअर नल एंड देट इज़ योअर अनडिफाइंड तो अगर नल एंड हेलो आपने लिख दिया तो यहां पे देखो ना इफ एक्सप्रेशन वन इज नॉट नल और अनडिफाइंड रिटर्न एक्सप्रेशन वन अगर हमारा एक्सप्रेशन वन जो है अगर ये या तो नल ना हो या तो अनडिफाइंड अगर नहीं है तो जो एक्सप्रेशन वन है उसको आप दिखा दीजिए ओब्वियसली क्योंकि मेरा ये एक्सप्रेशन वन है ना ये नल है ना ये अनडिफाइंड बट एक एमटी स्ट्रिंग है तो वो एम स्ट्रिंग दिखा देगा बट अगर हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन ही या तो नल है या तो अनडिफाइंड है हमारा जो एक्सप्रेशन टू है उसको वो रिटर्न कर देगा एंड इसका बहुत औसम यूज केस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है प्लीज उस वीडियो के एक बार चेक कर लीजिएगा बट आपको बट आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है इसका क्या काम है खाली ये नल एंड देन अनडिफाइंड के साथ खेलता है अगर नल वैल्यू रहा स्टार्टिंग में तो जो सेकेंड पार्ट है उसको आप दिखा दीजिए या अनडिफाइंड है तो दिखा दीजिए समझ रहे कि आप आई I मीन mean, समझ रहे हो ये बहुत जगह पर आप यूज़ कर सकते हो अगर आप देखोगे जो हमारा टूडो एप्लीकेशन था बाई डिफॉल्ट पहली वैल्यू नल होती है तो बहुत बार आप इसको टैकल कर सकते हो अगर नल है तो फिर भी आप एक डिफाइन दिखा दीजिए कि वैल्यू अपडेट हो रही है डर डॉट डॉट ऐसे करके कुछ एंड अगर वैल्यू आ गई तो आ गई फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है समझ रहे हो तो ये आपका रहता है शॉर्ट सर्किट इवेल्यूएसन एंड डोंट वरी मैंने इसका पूरा कोड रखा है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैं बताऊँगा तो हम क्या करते हमारा जो ये कंपोनेंट है यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा शॉर्ट सर्किट ठीक है so सो कैसा आप देख सकते हो कि मैंने सिंपल सा इतना सा कोड रखा है जो कि बहुत बेसिक है एंड आई होप आपको पता चला क्योंकि प्योर एस्टेमल है, है एक एच वन एक पैराग्राफ एंड कुछ सिंपल सा डेटा मैंने यहाँ पे रखा है डेट सेट बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे इसको मैं कंट्रोलाइज सेव कर रहा हूँ ठीक है एंड मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये जो शॉर्ट सर्किट एग्जाम्पल है इसको गाइस मुझे यहाँ पे भी ऐड तो करना ही पड़ेगा नो मैटर वॉट ठीक है तो मैं एंटर हिट कर रहा हूँ एंड पेस्ट कर दे रहा हूँ चलो ठीक है तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है वो तो ऐड हो गया है मुझे ये देखना है दिख कैसा रहा होगा सो so, गाइस अब आप देख सकते हो कि कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा हो तो हम वन बाई वन टैकल कर लेते हैं लेट से ये जो टॉगल लॉग इन स्टेट है मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ जब भी मैं टॉगल पे कर रहा हूँ तो मुझे एक डेटा दिखता है वरना नहीं दिखता है ये बहुत ईजी है अब आप, आप खुद सोचिए क्योंकि हम ऑलरेडी प्रीवियस में भी ये कर चुके बट इसको शॉर्ट सर्किट इवेल्यूएसन बोलते थे बोल के हमें इसका आइडिया नहीं था राइट तो आप देखो ये जो पर्टिकुलर चीज़ दिख रहा है यू आर लॉग्ड इन आई मीन वो फिलहाल अभी आपको दिख भी नहीं रहा है वो अभी ये दिख नहीं रहा है बट मैं आपको बताता हूँ देखिए कैसे होगा अब सबसे पहले तो हमें इसके लिए एक स्टेट लेना पड़ेगा हमें एक स्टेट के साथ काम करना है क्योंकि अब हमें उसको दिखाना है या तो नहीं दिखाना है सो जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक ठीक है तो मुझे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड करना होगा बट उससे पहले इस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए इस पर्टिकुलर पार्ट part के लिए मुझे एक स्टेट लगेगा सो so, कॉन्स्ट तो यहाँ पे गए सिंपल इज लॉग्ड इन सेट इज लॉग्ड इन ये जो पर्टिकुलर स्टेट है इसको मैं क्रिएट कर रहा हूँ ठीक है एंड ऑब्वियसली वी हैव अ यूज स्टेट एंड क्यू नहीं आया क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं दिया था चलो ठीक है तो इस तरीके से ये जो पार्ट एंटर हिट करूँगा एंड अभी भी सजेशन नहीं आया सो so गाइस कुछ नहीं करते यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू ट्रू कर दे रहा हूँ ठीक है अब ध्यान से देखना ये जो हमारा सेटर फंक्शन है जो अपडेटेड फंक्शन है जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो मेरा ये जो पर्टिकुलर अपडेटेड फंक्शन है इस पर मेरा ये जो ईज इन वाली जो वैल्यू है उसको मैं इस तरीके से सेट कर दे रहा हूँ इसका मतलब ये कि इस पर अगर मैं क्लिक करते तो इसकी जो भी वैल्यू होगी उसका ऑपोजिट नॉट ऑपरेटर मतलब ट्रू है तो फॉल्ट अगर फॉल्ट है तो ट्रू ये ये मैंने सेट कर दी अब इसकी वैल्यू जब जब मैं क्लिक करूँ ट्रू फॉल्ट ट्रू फॉल्ट्स के साथ खेलता रहेगा एंड मुझे सजेशन अभी तक नहीं आया ये एंड क्यों नहीं आया मुझे वो आइडिया नहीं है बट लेट्स गो विथ यूज स्टेट फ्रॉम आवर रिएक्ट एप्लीकेशन अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मुझे दिखाना है एल्स नहीं दिखाना है तो अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें क्या करता हूँ यहाँ पे इसको कंडीशनल ऑपरेटर बनाता हूँ एंड मेरा यहाँ पे बहुत क्लियर है कि ये जो ईज इन है अगर ये ट्रू रहता है तो इसकी वैल्यू दिखाओ बताओ कि भाई आपने लॉग इन कर ली है आप इन हो चुके हो अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये मत दिखाओ तो ये एंड ऑपरेटर है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था एंड ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ अब यहाँ पर आते हैं इस जगह पर है ना रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो यू आर लॉग्ड इन फर्स्ट टाइम आता है बट द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा वो डेटा चला गया फिर से क्लिक करूँगा वो डेटा मुझे आ गया तो ये आपका इस तरीके से काम कर रहा है एंड ये एंड ऑपरेटर आपको पता चल गया बट ठीक है अब ये सेट यूज़र पर जब भी मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक डेटा दिखाई देता है हेलो थापा टेक्निकल ठीक है ऑल आई ठीक है अब ऑब्बियसली यहाँ पर डेटा अगेन चेंज हो रहा है इन द मोमेंट अगर डेटा चेंज होता है इट मीनस आपको अगेन स्टेट लगेगा है ना तो यहाँ पे हम चलते हैं कॉन्स्ट यूजर Set user and use state and फ़िलहाल इसको फिलहाल के लिए एम रख दो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हाँ अब यहाँ पे तो जब भी कोई इस बटन पे करेगा क्लिक तब वापस आप यहाँ पे क्या करना आपका वो जो सेट यूज़र है एंड दिस पार्ट यहाँ पे आप बहुत क्लियरली कर सकते हो ना यहाँ पे आप लिख दीजिए इस तरीके से एंड uh, देन थापा तो सेट यूज़र के अंदर आपने एक वैल्यू पास कर दी है एंड ये वैल्यू वो वैल्यू होगी जो इसको मिलने वाली है ठीक है अब ऑब्वियसली ये तो कितना ईजी हो गया है मेरा अब हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे एक और ऑपरेशन ठीक है एंड जहाँ पे कंडीशन देखने क्या होगा अगर यूज़र की वैल्यू ट्रू है अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो हेलो एंड देन डॉलर यूजर इस तरीके से एंड ऑब्वियसली आपको बैक टिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे बैक टिक ठीक है यूज़ो एल्स ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड है कॉपी कीजिए प्लीज़ लॉग इन वाला आप पेश कर दीजिए तो हमने एक तो ये कंडीशन देखी अब दूसरी हमने ये कंडीशन देखी तो मैं यहाँ पे चलता हूँ तो देखो यू आर लॉग इन करके बता रहा है जो कि सेट यूज़र की वैल्यू अब तक थी नहीं बट द मोमेंट मैं क्लिक करूँगा एंड बोम गैसी हेलो विनोद थापा आई नो ये आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको गैस उस तरीके से टैकल नहीं की बट अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तब आपको दिखाई देगा सेट यूजर पर क्लिक करता हूँ अब कुछ मैं इसको नहीं कर सकता क्योंकि वंस मैंने क्लिक कर दी वैल्यू सेट हो चुका है वहाँ पर बट अभी भी मैं टॉगल तो जरूर कर सकता हूँ अब एक काम जरूर है ये जो क्लियर यूज़र जब मैं क्लिक करूँ इसकी वैल्यू को मैं हटा सकता हूँ तो वो बहुत इजी है एंड डैट इज़ जब भी कोई इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा ठीक है ऑन क्लियर लिख रहा हूँ ऑन क्लिक तब हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल हमारा ये जो सेट यूज़र की जो वैल्यू है उसको मैं बैक टू नॉर्मल डैट इज़ नल कर दूंगा एंड अगेन इफ इट्स नल तो वो आपका फॉल्स वैल्यू कहलाता है अगर आप डबल ये वैल्यू यूज़ कर रहे होते तब वो आपका काम नहीं करता फिर ठीक है आपको इतना समझना है एंड मैं इसको एक बार रिफ्रेस हालांकि नीड नहीं है उसकी बट देखो टॉगल मैं कर पा रहा हूँ यू आर लॉग इन बाकी कुछ नहीं है सेट यूज़र कर दूंगा अब मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे बट द मोमेंट मैं क्लियर यूजर कर दूंगा यू आर लॉग इन हेलो थापा टेक्निकल यू आर लॉग इन सॉरी यू आर नॉट लॉग इन प्लीज़ लॉग इन बताना पड़ेगा प्लीज़ लॉगिन इस तरीके से है ना ये आपको रखना जरूरी है तभी तो मज़ा आएगा देखो प्लीज़ लॉग इन यू हैलो बिनोद थापा प्लीज़ लॉगिन हेलो विनोद थापा एंड टॉगल ये देखो है ना तो गाइस ये था आज इस वीडियो में जहाँ मैंने आपको दिखाया कि शॉर्ट सर्किट इवेल्यूएसन किसे कहते हैं एंड इंटरव्यू वाल आपसे पूछ सकते हैं एंड आपसे ये नहीं पूछेंगे कि शॉर्ट सर्किट इवेल्यूशन क्या है एंड इसमें क्या क्या था आपसे ये पूछेंगे जब आप एंड ऑपरेटर यूज़ करते हो तो अगर स्टार्टिंग की वैल्यू फॉल्स है तो वो जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसको चेक करता है या नहीं या उसकी वैल्यू आती है या नहीं मतलब अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो सेकंड एक्सप्रेशन भी अगर ट्रू हुआ तो किसकी वैल्यू आपको मिलती है तो ये जो क्वेश्चन है ना ये आप कन्फ्यूज हो जाओगे ओवर टाइम जब करते जाओगे क्योंकि अभी तो सिंपल लगा बट जब आप देखोगे जब आप करने जाओगे इंटरव्यू के समय थोड़ा वो आपको नर्वस कर सकता है कन्फ्यूज़ कर सकता है तो मेक श्योर sure आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि कब क्या ट्रू होने पर क्या मिलता है कब फॉल्स होने पर क्या हमें मिलता है ठीक है सो या गाइज दिस इज इट आज इस वीडियो को इतना है होप आपको वीडियो पसंद आगे गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर कीजिएगा एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर